नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं एक चॉकलेटी प्रोडक्ट का, जो कि बेसिकली एक सिरप है और इसका पूरा नाम है हर्शेज सिरप। और ये जो हमारे पास फ्लेवर है वो है जेन्युइन चॉकलेट फ्लेवर। वेल इनके जो सिरप होते हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, एक होता है सिरेमल फ्लेवर और एक इनका ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है, लेकिन ज़्यादा इनके यही चॉकलेट फ्लेवर ही बिकता है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली होता क्या है और किन किन चीज़ों के साथ हम इसको खा सकते हैं और क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी भी है या नहीं। फिर हम बात करेंगे इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और इसके इंग्रेडिएंट की। सो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिव्यू को। तो दोस्तों ये रहा हमारा ये सिरप जो कि है चॉकलेट फ्लेवर का, इसलिए इसकी जो पैकिंग है उसे ब्राउन कलर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, तो ये एक्चुअली चॉकलेट ही होती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। सो अगर आप इसे लिक्विड चॉकलेट भी कहोगे तो भी गलत नहीं है। और दोस्तों ये इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध पीते हो और आपको दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप दूध में इसको जो है थोड़ा बहुत मिलाकर अच्छे से उसको मिक्स कर आप अगर पियोगे तो दूध का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगने लगता है, मीन्स दूध का टेस्ट है वो बदल जाता है। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिसके साथ आप इसको ले सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर अपने घर में केक बनाया है और केक के साथ भी आप इसको ले सकते हो, और अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो उसमें भी अगर आप इसे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप मार्केट से आइसक्रीम लाते हो या घर में आइसक्रीम बनाते हो तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो। सो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके साथ आप इस सिरप को ले सकते हो। बेसिकली इसका जो काम होता है वो ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट खा रहे हो उसके टेस्ट को बेहतर बनाना। दोस्तों ये जो हमारे पास बॉटल है ये है 200 ग्राम्स की और यहाँ जो इसका प्राइस लिस्टेड है वो है 90 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो एक इसकी और पैकिंग आती है जो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। वेल उसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 620 ग्राम्स की और उसका जो प्राइस होता है वो होता है जस्ट 180 रुपीज़। सो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो उस पैकिंग को आप खरीद सकते हो। वेल नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, सो वहाँ से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी भी है या नहीं, मीन्स इसे खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा। तो देखिए ये जो चॉकलेटी प्रोडक्ट होते हैं इसका एक ही साइड इफेक्ट होता है, मीन्स इसके जो शुगर का अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसके पर 100 ग्राम में जो शुगर का अमाउंट है वो होता है 63 ग्राम्स, मीन्स इतनी शुगर इसमें होती है और नॉर्मली ये जो क्वांटिटी है वो थोड़ी हाई है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इसे आप रेगुलरली यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो फिर इसके आप एडिक्टेड हो जाओगी, मीन्स इसकी लत लग जाती है, क्योंकि ये इसका टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट होता है। सो इसे रेगुलरली आप यूज़ मत कीजिए, कभी कभी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों और इसके मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें आपको प्रोटीन और फैट्स भी मिलता है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, मीन्स 100 ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम ही आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा और फैट्स की क्वांटिटी भी काफ़ी कम होती है। अगर एनर्जी की बात करूं तो इसमें 100 ग्राम में आपको 276 kcal एनर्जी मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, मीन्स किन किन प्रोडक्ट्स को मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस चॉकलेट सिर्प में जो प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं उसमें आते हैं शुगर, उसके बाद मिल्क, उसके बाद आते हैं कोकोआ सॉलिड्स, फिर लिक्विड ग्लूकोज, थिकनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड सॉल्ट। और ये जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ को एक ग्रीन डॉट मिलेगी, जिसका मतलब कि ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट ही हैं, जिसका हमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट की। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 13th मंथ, इनका एक साल से भी ऊपर की एक्सपायरी डेट आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हो तो उसके बाद ये बेस्ट है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करो, क्योंकि फ्रिज में ये जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होता। वेल आप इसके रूम टेम्परेचर भी पर भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रिज में स्टोर करोगे तो वो बेस्ट है। सो दोस्तों ये था सिर्फ का शॉर्ट रिव्यू। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अक्सर इस तरह के रिव्यूज़ आते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।